नमस्कार, श्रम समाचार में आपका स्वागत है। आज का विचार बिंदु, बिहार के जो शिक्षण संस्थान हैं उनका रैंकिंग के ऊपर प्रश्न है, उन्हीं के ऊपर विचार करना है, उन्हीं के संबंध में हमें जानना है। यानी यूजीसी का ही NIRF एक रैंकिंग देने की संस्थान है, जिसने बिहार के बारे में कुछ आंकड़ा पेश किया है और उस आंकड़े के संबंध में एक आपके समक्ष विचार बिंदु है। अब बिहार में IIT है, NIT है, एम्स है और कृषि विश्वविद्यालय पूसा है। कृषि विश्वविद्यालय पूसा एशिया का सबसे सुंदर भूमि, एग्रीकल्चर का, कृषि का, ये पूसा का ही है, एशिया का। और स्वाभाविक है, इनको आप हटा दीजिए अपने शिक्षण संस्थान से, ये इनका रैंकिंग में आप ना ले, इसलिए कि ये एक अलग है, भारत सरकार के हैं और ये काफी अच्छे पोजीशन पर है। हमें बिहार का लेना है। अब देखिए बिहार की स्थिति क्या है। बिहार में लगभग 500 डिग्री कॉलेज हैं, वही 250 के पास अंगीभूति इकाई हैं और वही 227 एफिलेटेड कॉलेज हैं। ये बिहार सरकार, ये बिहार में डिग्री कॉलेज है। अब देखें इनकी क्या स्थिति है रैंकिंग में। सबसे पहले होता है, कहीं भी कोई परीक्षा होता है, एग्जामिनेशन होता है, कोई इंटरव्यू होता है या नाम लिखाना है, तो स्वाभाविक है कि उसके लिए रजिस्ट्रेशन होता है। तो इस जांच के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ तो बिहार में करीब 250 रखें, लगभग 500 डिग्री कॉलेज हैं। आगे के वीडियो में काफी इनका आंकड़ा हम दे चुके, आपके समक्ष रख चुके हैं। तो उसमें से 68 ने NIRF के समक्ष अपना प्रस्ताव रखा कि हम कराएंगे। अब देखिए उसमें आका क्या जाता है, पात्रता क्या है। पात्रता है छात्र, शिक्षक, छात्र शिक्षक अनुपात, सत्र, प्लेसमेंट, शोध और फीडबैक। अब आप देखें छात्र कितना है, उसके अनुरूप शिक्षक है कि नहीं है, और उसके बाद आपका सत्र क्या चलता है। तो आप यहां देखें बिहार की स्थिति क्या है, छात्र की संख्या है, शिक्षकों की संख्या कम हो जाती है, सत्र का तो कोई हिसाब नहीं। 6 बरस में बीए की डिग्री मिल रही है स्नातक की। उसके बाद प्लेसमेंट, यानी वहां कितनी संस्था आते हैं बच्चों को रोजगार देने के लिए। उसके बाद आता है वो ये जो डिग्री कॉलेज हैं, क्या वो शोध करते हैं क्या। तो और फिर है फीडबैक, कॉलेज की अन्य क्षमता क्या है। तो जिस आधार पर इन कॉलेजों का आकलन होता है, छात्र शिक्षक सत्र प्लेसमेंट शोध, इसमें ये जो अप्लाई 68 कॉलेज किए उसमें 65 कॉलेज का अंक 0 मिला, 0 ये अंक मिला है, यानी 0। अब आप समझ सकते हैं कि ये बिहार सरकार के अंगीभूत ही महाविद्यालय होंगे,
एक शिक्षक का वेतनमान 1.5 लाख से ऊपर होगा, प्राचार्य महोदय हैं, इनके वीसी साहब हैं, और इनको 0 अंक मिला, 0। अब आगे देखें, इसमें हम बता रहे थे कि 20 छात्र पर एक शिक्षक होना चाहिए। अगर सत्तर छात्र से के ऊपर एक शिक्षक आता है तो उनका अंक, उस महाविद्यालय का अंक 0 हो जाएगा। यह मापदंड इन्होंने बनाया है यूजीसी ने। यूजीसी का ये जो भाग है, यूजीसी ने अपने को 3-4 भागों में बांट दिया है, तो ये जो भाग है उसने ये बनाया है कि 20 को हम आदर्श मानते हैं, 70 को हम डैमेज मानते हैं। तो 70 अंक हो गया, यानी ये 0 हो गया, और अभी पटना में 1-2 कॉलेजों की स्थिति अच्छी है, थोड़ी। एन कॉलेज पटना में छात्र शिक्षक अनुपात 1.133 छात्र पड़ता है, यानी पटना का एन कॉलेज ही ये सब अप्लाई करने वाले महाविद्यालयों में सर्वोत्तम आप मान सकते हैं। ऐसे पटना वोमेन्स कॉलेज जो है उसका सब कुछ करीब करीब ठीक है, चूंकि एक विषय यहां पर आपके समक्ष विचार रखना चाहता हूं, उसका कारण यह है कि यहां पढ़ाई भी अच्छा है, जो भी कुछ ये रिसर्च कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, ये इनका ठीक ठाक है। यहां पर सरकारी तंत्र, ये महाविद्यालय एफिलिएटेड कॉलेज है, क्रिश्चियनों का है और उनके द्वारा संचालित है। इसका जो भी प्रचार होगा, कोई महिला वो भी विदेशी होगी, और उसके बाद ये संस्था जो है इसको, ये एक तरह का एफिलिएटेड कॉलेज है पटना विश्वविद्यालय के तहत, और इसका अपना मैनेजमेंट है, इसके चलते इनका सब कुछ ठीक ठाक है। अब देखिए बिहार के विश्वविद्यालय और कॉलेजों की स्थिति, तो आपको पता चलेगा कि सारे विश्वविद्यालय और ये कॉलेज तो 68 ही आए मैदान में ना, जांच कराने के लिए लोग आया ही नहीं, तो फिर आप क्या जांचेंगे। अब इसके कुछ, अब आप सोच सकते हैं कि जब ये स्थिति कॉलेजों का है, बिहार के डिग्री कॉलेज, शिक्षण संस्थाओं का, विश्वविद्यालय का आ जाता है, तो पढ़ाई क्या होती होगी। अब आप देखें थोड़ा इसमें हम क्या कर सकते हैं। अगर कॉलेज की स्थिति सुधारना है, सिर्फ निगेटिव नहीं, तो शोध पर ध्यान देना होगा। जो रिसर्च का कार्य है उसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा। उसके बाद है ये जो हर महाविद्यालय में जो रिसर्चर होते हैं, पढ़ने और पढ़ाने वाले शिक्षक होते हैं, उसको कोई वैल्यूएशन नहीं होता है। हमारे गुरुजी डॉक्टर कृष्णचंद्र सिंह जी हमको एक कथा सुनाए कि पटना विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के एक शिक्षक थे, जो विश्वविद्यालय विभाग अध्यक्ष भी थे, प्रति वर्ष लगभग उनका 40 पेपर पब्लिश्ड हो जाता। तो पटना विश्वविद्यालय के सीनेट में ये प्रश्न उठा कि एक शिक्षक 40 पेपर कैसे पब्लिश्ड करा सकता है, जरूर कुछ उलट फेर है। फिर उनसे प्रश्न पूछा गया
मनोविज्ञान के तत्कालीन विभागाध्यक्ष महोदय से, तो उन्होंने जवाब दिया कि जिस तरह से पूरे जिंदगी में आप एक भी रिसर्च नहीं कर करते हैं, एक भी पेपर नहीं लिखते हैं, उसी तरह से मैं प्रतिवर्ष कुछ पेपर लिख देता हूं, फिर उसके बाद वो मामला ठंडा हो। तो ये जो शोध करने वाले जो शिक्षक हैं, उनके उनको कॉलेज में लोग अच्छे दृष्टिकोण से देखते तो नहीं है, तो स्वाभाविक है उसमें दूसरी भूमिका कॉलेज में क्या है। ये जो फुटाम और फुस्टाम वाला जो ग्रुप है वहां, ये शिक्षक संगठन अब तो मृत प्राय ये हो गया है, मरा हुआ हो गया है। तो ये, लेकिन ये फुटाम फुस्टाम ने बिहार को के उच्च शिक्षा को बहुत बर्बाद किया, और इन्होंने सरकार के यूजीसी का जो भी विकासात्मक डेवलपमेंट वाला न्यूज आता था उसको प्रजातंत्र से जोड़कर, संविधान से जोड़कर, शिक्षकों के अपमान से जोड़कर जोड़ते चले गए। आज परिणाम ये है कि ये जो इनके आज से 25-30 वर्ष पहले नेता थे वो सब अब लोग तो स्वर्गीय हो गए, लेकिन पूरे बिहार को ये नरक लोक में तो पहुंचा दिए। उसके बाद देखें सरकार की भी वही स्थिति है, सरकार भी शिक्षण संस्थान में सत्र प्लेसमेंट ये छात्र शिक्षक अनुपात के लिए कोई कार्य नहीं करती, बस इनका ध्यान अपने चुनाव और शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद एक और है मैं लिख रहा हूं, शिक्षकों का भी ध्यान महाविद्यालय में पढ़ने पढ़ाने, नया विषय को शोध करने, अपने विभाग के संबंध में जानकारी हासिल करने, अतिरिक्त अनुभव करने, छात्रों का मार्गदर्शन करना, जो ये कार्य पहले होता था ये कार्य आज नहीं है, सिर्फ उनका ध्यान 1.5 लाख महीना के ऊपर होता है। मित्रों ये जो यूजीसी ने ये जो बिहार का आकलन किया है कि 68 में 65 कॉलेज जीरो हैं, ये बिल्कुल सही आकलन है एक शोधकर्ता होने के नाते, एक श्रम एवं समाज कल्याण के विद्यार्थी और शिक्षक होने के नाते, संगठन चलाने के नाते जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है उस अनुभव से ये 100% मिल रहा है, जीरो ही इनका है। तो ये एक उच्च शिक्षा का समाचार था जो आपके समक्ष रखना अति आवश्यक समझा। इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, नमस्कार, शेयर करें।